ते एक धयाडे ऐसा ओया कि ओ शिखया देआ दा हा ते फरीसी ते यहूदीयें दे कनून दे उस्ताद उत्थें बैठे दे हे जेड़े गलील जिले दे यहूदीया लाकें दे हर एक ग्रां दे ते यरूशलेम नगर चा आए दे हे ते चंगा करने लई प्रभु दी शक्ति उसदे कन्ने ही। ते दिखो किश लोग एक मनुख गी जेड़ा लकवे दा रोगी हा खट्टी उपर लेई आए ते ओ उसी घर दे अंदर आने दा ते यीशु दे अगे रखने दा तरीका तुपा करदे हे। ते जदूं भीड़ दे कारण उसी यीशु दे कोल नहीं लियाई सके तां उन्हें छत उपर चढ़ीयै ते खड्ड गी पुट्टीयै उसी खट समेत यीशु दे अगे तुआरी ओड़िया। उन्हें उन्दा विश्वास दिखिए उसी आख्या, ए मानू तेरे पाप माफ होए। शास्त्री ते फरीसी बहस करन लगे, ये कौन है जेड़ा परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर की छुड़ीए कौन पापें की माफ करी सकता है? यीशु ने उन्दे मन दियां गल्लां जानियां, उन्हें गी आख्या, तुस अपने मने च के गला करदे हो? ठीक के है कि इसी आखना के तेरे पाप माफ होए या ए आखना के उठ ते चल फिर? लेकिन इस करी के तुसें गी पता चलिया कि मनुख दे पुत्र गी धरती उपर पाप माफ करने दा भी अख्तियार है। उसने उस लकवे दे रोगी गी आख्या, आऊं तुगी आखना है उठ ते अपनी खट चुकियै अपने घर चली जा। वो फोन उन्दे दिखते दिखते उठिया ते जिस खट उपर वो पैदा हा उसी चुकियै परमेश्वर दियां सिफतां करदा होई अपने घर गी चली गया। फी वो सारे रान होए ते परमेश्वर दी सिफत करने लगे ते बड़े डरियै आखन लगे, अज असें उच्चन गल्लां दिखियां। एदे बाद ओ बाहर गया ते लेवी नां दा एक चुंगी लेने आले गी चुंगी दी चौकी उपर बैठे दे दिखया। ते उसी आख्या, मेरे पिछे आई जा। उस बेलै ओ सब के छुड़ीयै उत्थों दा उठिया ते ओदे पिछें चली पिया। ते लेवी ने अपने घर च यीशु लई एक बड़ी धाम दित्ती ते चुंगी लेने आले दी ते होर लोग जेड़े ओदे कन्ने रुट्टी खान बैठे दे हे एक बड़ी भीड़ ही। ते फरीसी ते शास्त्री ओदे चेलें गी इयां आखन लगे, तुस चुंगी लेने आले ते पापियें दे कन्ने की खंदे पींदे हो? यीशु ने उनेंगी जवाब दिता, कीम चंगे भले माणु आस्तै नहीं लेकिन बमारें लिए जरूरी है। आऊं धर्मियें गी नहीं लेकिन पापियें गी मन फराने दे लिए बुलाने गी आए दा है। उन्हें उसी आख्या, यूहन्ना दे चेले ते बराबर उपवास करदे ते प्रार्थना करदे न ते इयां गै फरीसियें दे चेले भी, लेकिन तेरे चेले तां खंदे पींदे न। यीशु ने उनेंगी आख्या कि तुस बरातियें कोला जिल्लै तकर महाराज उंदे कन्ने है तां उनेंगी उपवास कराई सकदे हो, लेकिन ओ दिन औने न जिंदे च महाराज उंदे कोला अलग कीता जाग, पी ओ उनें ध्याड़ें च उपवास करंगन। यीशु ने एक और मसाल भी उनेंगी बोली, कोई मानू नमें कपड़े चा टुकड़ा फाड़ियै पुराने कपड़े दे उपर पैबंद नहीं लांदा, नहीं तां नमां फटी जाग
ते ओ तैवंद पराने च मेल बी नेई खाग ते कोई नमां अंगुरें दा रस पराने मटकें च नेई परदा नेई तां नमां अंगुरें दा रस सगले गी फाड़ियै रुड़ी जाग ते सगले बी खराब होई जांगन लेकिन नमां अंगुरें दा रस नमें सगले च भरना चाहिदा कोई मनुख पराना अंगुरें दा रस पीयै नमां नेई पसंद करदा किके ओ आखदा है कि पराना गै शैल ऐ।